हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के दूसरे पाठ पाटलिपुत्र वैभव के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वेंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल काल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। ए ऑप्शन है आरा का, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, सी ऑप्शन है बोधगया का, डी ऑप्शन है राजगृह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है कुट्टी नीतम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यात्रा संस्मरण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो कैमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दस नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। ए ऑप्शन है मुगल वंश के शासन काल में, बी ऑप्शन है अशोक के शासन काल में, सी ऑप्शन है गुप्त वंश के शासन काल में, डी ऑप्शन है मौर्य वंश के शासन काल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
12 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य में, बी ऑप्शन है संस्कृत साहित्य में, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस में, डी ऑप्शन है कादंबरी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है, तो मुद्रा राक्षस में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? ए ऑप्शन है पाटल, बी ऑप्शन है पतन, सी ऑप्शन है पटल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो पतन शब्द से हुआ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? ए ऑप्शन है कृष्ण सेतु का, बी ऑप्शन है इंद्र सेतु का, सी ऑप्शन है गांधी सेतु का, डी ऑप्शन है नेहरू सेतु का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है द्वारिका में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है ननकाना साहब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ननकाना साहब में हुआ था। और ननकाना साहब कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर का पर्याय कौन है? ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है महीधर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरंदर का पर्याय कौन है, तो भगवान इंद्र है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्य का, डी ऑप्शन है सब्जी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूल का बहुत सा उत्पादन होता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है तेग बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर।
23 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा। ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है चंपारण, डी ऑप्शन है सहरसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कुटिनीतम काव्य के कवि कौन है। ए ऑप्शन है राजशेखर, बी ऑप्शन है दामोदर गुप्त, सी ऑप्शन है विशाखदत्त, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटिनीतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। इन्हें आपको याद रखना है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ बसा है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है, तो पटना गंगा के किनारे बसा है और पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, डी ऑप्शन है गुजरात की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो जो पटना है ये बिहार राज्य की राजधानी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है सिंधु नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे है, तो पटना में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अशोक घोष की, बी ऑप्शन है भारवी की, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त की, डी ऑप्शन है माक की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाखा दत्त की रचना है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु रामदेव, डी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ये रहा होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है सिवान में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है लखनऊ में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आगे पढ़ने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।